सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको सर्व योनि मुद्रा बतलाने जा रहा हूं। यह मुद्रा काफी लाभकारी है हमारी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करने में। इसे देवी के आह्वान में भी प्रयोग किया जाता है और स्वास्थ्य के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी मुद्रा है। यह हमारे कई तत्वों का नियमन करने में समर्थ है। जो पंच तत्व मुख्य रूप से हैं उनका नियमन करने में समर्थ है इस वजह से, और रूपांतरित करने में भी समर्थ है इस वजह से इस मुद्रा का बहुत उपयोग होता है। चाहे जल तत्व हो, अग्नि तत्व हो, वायु तत्व हो, आकाश तत्व हो, पृथ्वी तत्व हो, या नियमन कर देती है मुद्रा। और इसे आप सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। यह 15 मिनट से लेकर के 1 घंटे के आसपास तक मुद्रा की जाती है। ये जाप के ऊपर निर्भर करता है कि कितना लंबा जाप है। 1 घंटे से भी ज़्यादा हो सकता है तो जो देवी के आराधक हैं वे इसे करते हैं। सर्व योनि मुद्रा देखिए कैसे किया जाता है। पहले आप ये मध्यमा और ये कनिष्ठा दोनों हाथों को लेकर के इसको दबा लेंगे। इस तरह से दबाने के बाद अब इसको इससे पकड़ लेंगे और इससे इसको पकड़ लेंगे। इस तरह से यानी तर्जनी उंगली से मध्यमा उंगली को पकड़ लेंगे। अब इसके बाद ये दोनों जो सॉरी मध्यमा नहीं, ये अनामिका उंगली, तर्जनी से अनामिका उंगली को पकड़ लेंगे। अब मध्यमा उंगली को ऊपर उठा देंगे। इस तरह से तर्जनी उंगली से अनामिका उंगली को पकड़ लेंगे, मध्यमा को ऊपर उठा देंगे ऐसे। और जो कनिष्ठा है उसका जो छोर है उसको जो है इसको अंगूठे के छोर को लगा देंगे। इस तरह से देख लीजिए। फिर से एक बार दिखा देता हूं। मध्यमा और कनिष्ठा को दबा देंगे और ये अनामिका उंगली से इसको पकड़ लेंगे। अब इसको पकड़ लेने के बाद दोनों जो मध्यमा है उनको खोल देंगे ऐसे। खोल देने के बाद फिर कनिष्ठा को भी खोल देंगे और ऐसे अंगूठे से लगा देंगे। इस तरह से यह सर्व योनि मुद्रा हो गई।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिन्हें शक्ति की कामना है वो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिन्हें ज्ञान की कामना है तो इसी में ज्ञान भी आप जोड़ सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिन्हें शांति की कामना है वे इन्हें शांति जोड़ सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आपको जिस चीज की भी कामना होगी, निर्वाण की कामना है तो निर्वाण रूपेण लगा सकते हैं इसमें। या देवी सर्वभूतेषु निर्वाण रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से आप इसे लगा सकते हैं। यदि आपको विद्या की कामना है तो विद्या रूपेण संस्थिता का संकल्प करके आप लगा सकते हैं। तो यह जो मुद्रा है इसका सुबह और शाम अभ्यास किया जाता है। यह आह्वान के लिए मुद्रा प्रयुक्त होता है, तो इसलिए इस मुद्रा को आह्वानी मुद्रा में भी रखते हैं। तो आज इतना ही। ओम हरि। और यह मुद्रा स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है, विशेषकर कि जब यदि आपको वायु संबंधित दिक्कत है या यदि आपको भूख नहीं लगती है, यदि जलोदर हो गया है, तो उसमें भी यह बहुत लाभकारी है। रक्तचाप को संयमित और नियमित करता है और हमारे फेफड़े को भी मजबूत करता है, फेफड़े संबंधित रोगों के लिए बहुत अच्छा है, और मस्तिष्क को संतुलित करता है, संभाव में रखता है। तो इस मुद्रा करें और लाभ उठाएं। ओम।